सड़क दुर्घटना में मृत कर्मी बुटवा बावरी के आश्रित पुत्र को मुनिडी प्रोजेक्ट प्रबंधन के नियोजन देने की घोषणा उपरांत करीब 24 घंटे के बाद मुख्य द्वार से शव उठा। चंदन क्यारी के भाजपा विधायक अमर बावरी के साथ पूरे दिन चली मैराथन बैठक के बाद नियोजन पर सहमति बनी। पहले चरण की वार्ता विफल होने के बाद दोपहर में विधायक वार्ता छोड़ पुनः आल्दोनल पर उतरे। इसके पूर्व विधायक ने सीएमडी से भी फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। सेकेंड हाफ में प्रबंधन ने मुख्यालय के वरीय अधिकारियों के साथ बात कर आंदोलनकारियों से बात कर नियोजन की घोषणा की। आश्रित पुत्र राजू बावड़ी को प्रोविजनल नियोजन दिया गया। वार्ता के बाद शाम 5 बजे शव उठा। विदित रहे कि बुधवार की रात ड्यूटी से लौटकर तेतुलिया घर लौटते वक्त कपूरिया में वाहन की चपेट में आकर कर्मी की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आश्रित को नियोजन देने की मांग को लेकर शव को मुनिडी मेन गेट पर रख दिया है। पापा को बुला दो, सुन लीजिए क्या मामला क्या हुआ चाची, और क्या आप लोगों को क्या न्याय मिला अभी तक? कैसे न्याय मिला, क्या मिला वो पूछ रहे हैं? सब मिला। हाँ, सब मिला। कैसे घटना कैसे घटी थी घटना? तो हमको देखने के लिए जाता था, कोई लड़का उसको फोन करके बुलाया क्या? किन्हीं को नियोजन दिया गया क्या? हाँ। किनको दिया गया? तो मंझला लड़का। केमा लड़का है वो जिनको नियोजन दिया गया? चार लड़का। हाँ, तो चार लड़का में मंझला को दिया। मंझला को, क्या नाम उसका? राजू कुमार बाबू। कितना उम्र है? क्या आप संतुष्ट है? हा? जो वार्ता हुई, लोग आपका जो आज वार्ता में जो उचित न्याय मिला आपको, क्या आप उससे सहमत हैं? हा? क्या नाम हो गया आपका? आपका हस्बैंड का क्या नाम था? हस्बैंड का नाम तो नहीं ले सकते हैं, बुटवा बारी। बुटवा बावरी जो यहाँ के एम्प्लॉय थे, एक दिन पहले उनकी देहांत हो गई थी, थोड़े से तो उनके नियोजन की मांग को लेकर के प्रबंधन ने जितनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई। तो बात करके उनके परिजनों ने यहाँ के जो स्थानीय यूनियन के नेता हैं उनके नेतृत्व में यहाँ उनके बॉडी को रखा और अपने डिमांड को, ये जो देश हुआ है मेरे विधानसभा के नागरिक हैं। आज सुबह मैं जब सूचना मिली तो आए और आकर प्रबंधन से बात की, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रबंधन ने ये काम किया, ये करते ही आते हैं और आज भी किया, लेकिन जो इनको 5 घंटे पहले 6 घंटे पहले घटना नहीं होने से पहले करना था वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इनके संवेदनहीनता को दिखलाता है और ये दिखलाता है कि भाई अगर यदि किसी मजदूर के पीछे में अगर कोई खड़ा ना रहे तो उसको न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कोई गरीब युवा यदि किसी के पास यदि किसी के पीछे खड़ा आदमी नहीं नहीं खड़ा होता है तो उसे लोग अन्याय के शिकार होते हैं। तो प्रबंधन को चाहिए कि नियम जब एक समान है, कानून जब एक समान है, आपका मजदूर है, तो इस तरह की कोई भी घटना होती है तो हम जैसे लोगों को यहाँ 2 घंटा 2 दिन 4 दिन बैठना ना पड़े, उसको नियोजन दीजिए। आगे से प्रबंधन जरूर ख्याल रखें। आज यहाँ जो घटना को लेकर आज तीसरा दिन में आज न्याय मिला उन लोगों को, तो इस विषय में आपको जानकारी कैसे मिली और क्या न्याय मिला? सबसे पहली बात मैं तो एक बात ये बोलना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर गत 2 दिन बीत चुका था यहाँ पर बॉडी को पड़े पड़े, लेकिन मत मॉर्निंग वॉक करने के लिए आज मैं जब सुबह निकला तो मैं देखा कि यहाँ पर इस तरह का रवैया चल रहा है जो मैनेजमेंट पूरी तरह से। घटना कब हुई थी? घटना 20 तारीख को, 20 तारीख को हुई थी घटना। और आज आपने 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में ड्यूटी जाते क्रम जब छुट्टी हो जाता है ड्यूटी के क्रम में उनका देहांत हो जाता है एक्सीडेंट हो। उसके बाद हमको चूंकि हम थे नहीं, हम बाहर में थे, पता चला कि यहाँ पर इन लोग 2-3 मतलब व्यक्ति हमको दिखे और एक बॉडी दिखा, ज़्यादा इससे ज़्यादा कोई दिखा नहीं। न्याय इन लोगों को नहीं मिल रहा था, बोले कि अभी मैं न्याय दिलवाऊंगा। और इस पर एक ही बात मैंने बोला कि जब तक मैं आपको न्याय नहीं दिलवाऊंगा, 5 बजे सुबह मैं यहाँ पर था तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं सुबह से मुँह भी नहीं धोया हूँ, मैं ये कार्यक्रम में 5 बजे से उपस्थित हूँ, हमारे जितने भी लड़के बच्चे सब उपस्थित हैं और ये पूरा रिजल्ट मैं लेके जा रहा हूँ आज। और मुझे बहुत देखिए लेट हुआ, देर हुआ, लेकिन दुरुस्त हुआ ये काम। आपके चलते उनको न्याय मिला ये बात तो स्पष्ट है लोगों से जो पता चल रही है, तो क्या आप अपने जो पहला कदम जो उठाया है इससे क्या आप काफी संतुष्ट हैं? मैं पूरा 100%
संतुष्ट हुई। आगे इससे भी जो प्रबंधक की जो रवैया है उसके लेकर भी आपको क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, जो रवैया है, देखिए हम एक चीज जानते हैं कि कुछ जगह जो है ना कुछ छीन के लेना पड़ता है, अपना हक जो छीन के लेना पड़ता है, और हमेशा लोगों को मजदूरों को हक छीन के ही लेना पड़ा है। कोई सहूलियत, कोई अगर यदि आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी फिर प्राथमिकता खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग यहाँ पर भीड़ बहुत सारा था लेकिन न्याय दिलाने का काम कोई नहीं कर रहा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ। मैं JSCMU का सेक्रेटरी हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मजदूर यूनियन का मैं यूनियन से सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ जो वार्ता हुई है, क्या वार्ता हुई है? देखिए वार्ता जो हुई है ये मैनेजमेंट जो है वार्ता में जिस प्रकार से पहले इन लोगों ने अपना अड़ियल रवैया दिखाया कि प्रोविजनल नहीं दिया जा सकता, ठीक है, और जबकि ये पहला ऐसा केस हमने देखा है, और ये मुनिडीप में जो इतना संघर्ष करना पड़ा सभी को, ठीक है, प्रोविजनल के लिए, यह मैनेजमेंट का काम था कि जब घटना हुई या कल जब शाम को लाश आया यहाँ, शाम को ही लाश जब रख दिया गया था, मृतक के परिजन लोग यहाँ थे, उनको चाहिए था कि उसी वक्त चूँकि ड्यूटी से छुट्टी होकर वो जा रहे थे, और ड्यूटी से छुट्टी होकर जा रहे थे टाइमिंग पीरियड एक्सीडेंटल टाइमिंग प्रशासन द्वारा उठा के अस्पताल में। कहाँ एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? कपूरिया। तो ये सारा कौन सा टाइम में हुआ था? रात के लगभग ड्यूटी से 12 बजे छूटने के बाद जो निकलते हैं तो भाई 12:15 12:30 के लगभग में। कितने तारीख को हुआ था? कल परसों का। आखिर क्या ऐसा मांग था आप लोग की जो प्रबंधक को देने में आज 3 दिन लग गया? नहीं देखिए हम लोग तो हमारा झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन, हमारे क्षेत्रीय सचिव अशोक सिंह को आज सुबह जब ये अवगत हुए और इन जब मृतक के परिजनों ने इनसे आग्रह किया, चूँकि इनको पता नहीं था सारा मामला, आग्रह किया तो ये यहाँ पे देखे तो जब देखा कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है मानवता के आधार पे हर किसी को क्रोधित होना स्वाभाविक है कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिन्होंने BCCL के लिए अपना खून पसीना बहाया, अपना योगदान दिया, आज BCCL कहाँ से कहाँ है। आज CMD साहब बयान देते हैं कि हमारा इतना गुना प्रॉफिट हो रहा है, किसके क्या क्या न्याय मिला आप लोगों को? जो हम लोगों का डिमांड था, क्या डिमांड था? प्रोविजनल नौकरी के लिए, वो मृतक का मंडला लड़का राजू कुमार बावरी को प्रोविजनल नौकरी दिया गया। मृतक का क्या नाम था? मृतक का नाम बुटवा बावरी। तो इस आप जो यहाँ से जो आप लोग को न्याय मिला उससे क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। और क्या कहेंगे प्रबंधक के बारे में? क्या बोलते हैं प्रबंधक के बारे में? तो इसमें क्या कहेंगे प्रबंधक, लास्ट समय में जो होता है ना, जैसे कि किसी भी चीज को मतलब नींबू को मचोड़ के तिंता कर देना, वो परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद जब देखे कि उग्रता बढ़ सकती है, हमारे चूंकि GM साहब के सामने हमने यही कहा, इंस्पेक्टर सर्किल इंस्पेक्टर साहब भी थे, कि सर संयमता का एक सीमा होता है, अब इसमें उग्रता जब बढ़ेगा तो ये जो भी समस्या उत्पन्न होगा ये सारी देनदारी जिम्मेदारी आपकी होगी, चूंकि आप में ना मानवता है और ना नियम कानून का पालन कर रहे हैं। अगर नहीं देना है तो कोज 1000 हो सकता है और वो 1000 कोज आप लगा रहे हैं। क्या नाम आपका? फिर भी चलिए अंतिम प्रक्रिया में सहमति बातों से हुई और मैनेजमेंट द्वारा हम लोगों का और सभी लोगों का जो सहयोग रहा उन सभी का सहयोग के साथ में हम लोगों का विजय हुई। क्या और, नाम आपका? और मृतक के परिजनों का जो न्याय होना चाहिए उचित न्याय मिला, इसमें मैनेजमेंट का सहयोग रहा लास्ट में और सभी लोगों का सहयोग, प्रशासनिक सहयोग, सबका सहयोग सही रहा, ठीक है। क्या नाम हुआ? उमा शंकर चौहान, जोनल उपाध्यक्ष, झारखंड कोलियरी।